Hey my YouTube family, so आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल खुशी शिवाय व्लॉग्स में। तो मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे और दिवाली की प्रिपरेशन में लगे होंगे। सो अभी टाइम हो रहा है 10:30 और मेरा काम हो चुका है, बस बर्तन रहे हैं, बाकी सारा काम हो चुका है। खाना वगैरह खाएंगे तो बर्तन भी क्लीन कर दूंगी, अभी थोड़े से चाय पानी के तो उसको क्या क्लीन करूँ मैं। इधर दूध गर्म हो रहा है, जब तक मैं खड़ी हूँ प्रिंसी तो घर से ही चाय दूध वगैरह पी के चली जाती है, नानी के घर वहीं रहती है, वहीं नहाना धोना वगैरह उसका वहीं होता है। बस थोड़ा दूध हो जाए फिर मैं जाती हूँ उसको लेने के लिए। एक बार कॉल आया था कि मम्मा आदाओ, ना आ रही, जरा रुक जा ना आके। आज ना मैं नहाई नहीं, आज पूरा घर के जाले झटके, पहले उठ के खाना बना लिया, पूरे घर के जाले वाले झटके और सब झाड़ू पोछा किया, थक गई मैं आज। फिर बाद में नहाई नहीं तो फिर ना सब बालों में उड़ता, उसको रुमाल बांध के सारा काम किया मैंने। और इधर के जो डब्बे दिख रहे हैं ये भी पूरे मन चुके हैं, अब बस मार्केट जाके प्लास्टिक के थोड़े अच्छे डब्बे लेकर आना है, जो पुराने उनको हटाना है। बाकी जो बहुत सारे डब्बे थे ना मेरे पास एक्स्ट्रा, आप देख रहे हो यहाँ सब खाली दिख रहे हैं, एक डब्बे के अंदर सारे डब्बे उतार दिए मैंने। तो जल्दी जल्दी दूध गर्म हो जाए फिर मैं कुछ और काम करूँ। दूध एक ऐसी चीज़ है जिसके सामने खड़ा होना पड़ता है। देखो दूध आज छान कर नहीं लिया ना तो कितना सारा कचरा है, छन्नी नहीं मिली मुझे, अब इसको बाद में छानना पड़ेगा। जल्दी जल्दी ऊपर आ जा। और सच्ची में डाई वाला कौन फास्ट कौन इतना अच्छा है, देखो ना रोज सफाई कर रही हूँ, रोज कपड़े धो रही हूँ, बर्तन मांज रही हूँ, फिर भी मेहंदी नहीं निकली थी तो वो तो बहुत ही अच्छा लगा। लगाओ 5 मिनट रहने दो और वॉश कर लो, गीली भी हो ना तो भी वॉश कर सकते हो, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं, पैरों में भी अभी तक लगी हुई है। और अभी हमारा हुआ तो घूमने आने का है छत्तीसगढ़ साइड, तो अभी देखते हैं। अभी मेरा पीरियड टाइम का कोई फिक्स नहीं है, 18 तारीख को ही निकलना है और 18 तारीख का ही मेरा पीरियड टाइम है। बस भगवान से प्रे कर रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी पीरियड टाइम मेरा आ जाए और मैं फिर घूमने आऊँ। 18 तारीख को आएंगे फिर रिटर्न, उधर से 25 को आएंगे, मतलब इतनी सारी प्लानिंग हो चुकी है, सब आने जाने का भी सब फिक्स हो चुका है, सब कुछ फिक्स है, बस मेरा पीरियड टाइम आ रहा है। पीरियड टाइम क्लियर हो जाए ना कि हम अब भी आ जाएंगे, 18 तारीख को सुबह से निकलेंगे, 19 को मतलब 12-1 बजे तक आ जाएंगे अमरकंटक। फिक्स नहीं यार, बट इसलिए मैं आपको पहले कुछ बता नहीं रही, बस पीरियड जल्दी जल्दी आ जाए तो जल्दी जल्दी चले जाएंगे। अभी तो ऊपर जाती हूँ मेरी माँ के घर। और 18 को ना मेरा एद्विक का बर्थडे भी है यार, बट मैं नाइट में ही 17 तारीख को ही नाइट में 12 बजे केक कट करके उसको गिफ्ट वगैरह जो भी है दे दूँगी और चल जाऊँगी। ओ तेरी की, मैं क्लेचर लाना भूल गई, क्लेचर ले आती हूँ, उन्हें तो बेटा मेरे बाल ऐसे नोचता है। हुआ तो आज मैं लहंगे खरीदने जाऊँगी, मेरे लिए शादी है ना, शादी में जा रहे हैं हम अमरकंटक तो लहंगे भी खरीदना है मेरे को। आज वो अगर दीदी आ जाते हैं जो मेरी पहचान वाले वो आ जाएंगे तो उनके साथ में चली जाऊंगी लहंगे लेने, या फिर देखते हैं बाद में जाएंगे। मैं इतनी भुलक्कड़ चीज़ें रख के भूल जाती हूँ। हाँ यार याद आए, चीज़ें मैं रख के भूल जाती हूँ, गाना है ना। चलो यार जल्दी जल्दी जाओ मेरे बेटे को लेकर आओ। कहाँ जा रही प्रिंसी? कहाँ जा रही बोल, कहाँ जा रही प्रिंसी, कहाँ जा रही बेटा? कहाँ जा रही? ससुराल। इधर देख कहाँ जा रही? ससुराल। दाइजा दिया तेरी मम्मा ने? क्या दिया? दहेज दिया मैंने देखो। क्या दिया? ए दहेज में क्या दिया मैंने देखो? पैसे। कितने पैसे दिए? 4-5 लाख रुपए। शिवाय के पास है? ए? ए? प्रिंसी तू साइकिल से ससुराल जाएगी? छोटा शिवाय का है, छोटा शिवाय का है, तेरी मम्मी जैसा छोटा जी है। क्यों, हमारे जवाई का नाम क्या है? जवाई का नाम, हमारे जवाई सा का नाम क्या है? जय जय राम। हाँ ससुराल जा रही, ससुराल इसमें कितना भूत सवार है ससुराल जाने का। सी ढको ना तो उठाना ढक, तो तेरी सी ढको ना।
क्या? हाँ, क्यों हमारे जवाई का नाम क्या है? क्या है नाम? जवाई है? फिर क्या है नाम? नहीं पता। हाँ उतारू आ गई ससुराल। हाँ पता नहीं इसको किसने बोल दिया तो ऐसी बोल रही है। आई मैं अंदर मोबाइल चला रही थी, सीसी ढक के, मम्मा हमें छछा जाए छछाल। तेरे डेडा को पता चलेगा तेरे इतने मारेंगे, तेरा मामा तो रोने लग जाएगा। ससुराल जा रही है तो ससुराल डेडरा लेके जा डेडरा। मम्मी क्या औलाद है आजकल की अपने आई की। आप ये देखो उसके मामा का मैकबुक चला रही है। बेटा तेरा मामा उनके बच्चों को भी नहीं देता, तेको दिया है समझी। तो प्रिंसी तो उसकी मामी के घर सोई है आराम से शांति से, और मैं आई हूँ अब घर, जबकि गई था बाबा में। अब मैं क्लीन करूँगी मेरे कुछ थोड़े से बर्तन, दूध वगैरह है मेरे, इनको भी रखना है। तो चलो बर्तन क्लीन करती हूँ, दूध रखती हूँ, और फिर जाएंगे हम राशन लेने के लिए। कल गए थे तो मम्मी का सामान ही लेकर आए, राशन ले लाए, बट आज जाके राशन भी लेकर आऊँगी मैं। तो फटाफट से क्लीन करती हूँ मैं। तो अभी हम जा रहे हैं राशन लेने के लिए, पूरा सामान लिख लिया है चिट्ठी। क्या बोलने आ रही थी मैं, पूरा राशन लिख लिया है चिट्ठी में, चिट्ठी दे देंगे और जाएंगे मार्केट, अभी किलो और वगैरह लेना है लेकर आएंगे। आज लहंगे लेने जाने का था, वो दीदी का कॉल ही नहीं आया यार, वो शायद इंदौर से आए नहीं होंगे। अभी इंदौर से आएंगे उसके बाद भी जाएंगे, देखो कुछ मेकअप भी लाना पड़ेगा फिर तो। तो अभी हम आए हैं मार्केट, एकदम से उठे छुट्टे और आ गए। इसको देखो तीन तीन कपड़े पहना है, एक दो और अंदर का तो बताइए, अंदर एक टी शर्ट, तीन और ऊपर से कैप, और अंदर या नीचे भी एक और दो। ठंडी बहुत है ना पिंची? हाँ जे कैप है। तो हम ना अभी लहंगे देखने आए हैं, अगर पसंद आते हैं तो मैं साइड से रखवा के कर लाऊँगी लेने, अभी सिर्फ देखने आई हूँ, पसंद आ जाए तो अच्छा है। बनारसी चाहिए और साइडर चाहिए, ब्राइडल तो नहीं चाहिए। हाँ सब ट्राई करूँगी, हाँ ऐसा आड़ा रखो ना, आड़ा आड़ा आड़ा। देख सकते हो कौन सा अच्छा लग रहा है, पहले तो कमेंट में ये बताना है। कि ये है ब्लू कलर का, हाँ बेबी उसको वैसा लगा दो ना, देख सकते हो आप। सिर पे डालो तो इसका तो सिर पे डालो, अभी तो ये नहीं सड़ जाएगा मेरा। आई नहीं वो उसको डालो ना, मैं नहीं इसकी लगा सकता, मेरे बनूंगी दुल्हन। सो एक लहंगा ये पसंद आया है, और सेकंड वन वो रहा कौन सा? वो हां ये पिंची ली है, कौन सा अच्छा लगा आपको? और आप बताओ, हमें पसंद करो, लाओ तो जरा।
यहाँ पे ना लहंगे रेंट से भी दिए जाते हैं और सेल भी किए जाते हैं। तो अभी हम जो जो सेल हो रहे वाले लहंगे लेने आए हैं शादी के लिए। एक ये देख सकते हो कितना सुंदर सा, एकदम आपको हेवी दिख रहा है बट ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। एड्रेस मैं आपको शेयर कर दूँगी, अगर आप खरगोन से हो या आसपास के हो तो प्लीज़ एक बार विजिट करना, मैं आपको लास्ट में एड्रेस बताऊँगी। सो देख सकते हो ये भी कितना प्रिटी लग रहा है, देखो वाओ, लाइट वेट, बेबी भी एकदम अच्छे से संभाल पाओगे और लहंगा भी, इसमें एकदम देख सकते हो जरी का वर्क किया हुआ है, वाओ। ये इनको देखो, पसंद करो नहीं दो जन, यार फोटो एक क्लिक करती, लाडो हटना राजा, सो मेरा फोर्थ लहंगा है ये, जिसमें बहुत सारा केन लगा हुआ है, आप देख सकते हो बहुत ही मस्त लगता है केन, और इसमें शेड वाला दुपट्टा आया है, वाओ लाइट ग्रीन, बहुत ही ज़्यादा मतलब न्यू लुक में है, देख सकते हो इसमें गोटा पत्ती वर्क है और इस टाइप से फॉल्स वगैरह का वर्क किया हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। कौन सा अच्छा लग रहा, सभी से अच्छा लग रहा, एक काम करो सब ले जाते शादी में, हाँ कौन सा लेना है, ये वाला पसंद आया, किसके लिए, ये वाला नहीं बेटा। सो मैंने अभी ये वाला लहंगा पसंद किया है वाइन कलर, और भाभी तुम्हारा कौन सा है, और भाभी ने मोर पिच कलर पसंद किया हुआ है, हाँ ये वही है, और ये भाभी क्रॉप टॉप पसंद कर रहे जो कि बहुत ही प्रेटी सा है, लगाओ, वाह यार इनके ब्रदर की शादी, एक दो तीन चार। तो अगर आपको किसी को भी यहाँ पे विजिट करना हो तो मैं आपको एड्रेस बता दूँ, पोस्ट ऑफिस चौराहा हनुमान मंदिर वाली जो गली है ना, अपन नीचे उतरते हो और आता है मंदिर वाली गली में, आप आ जाना तो आपको यहाँ पे शॉप दिखेगा। अभी कैसे दिखे? यहाँ पे पूजा पाठ का सामान भी मिलता है वो वाले, और लहंगे वगैरह भी रेंट पे मिलते हैं, तो 4500 गाउन वगैरह क्रॉप टॉप सब 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 मिल जाएगा। शॉप का नाम क्या है, श्रीनिधि ब्राइडल हब। सो आपने नाम सुन लिया तो प्लीज एक बार आइएगा, देख सकते हो बहुत सुंदर सुंदर सा कलेक्शन है, हमने तो परचेज किए हैं एक ही बार में, इतने सारे हमको पसंद आ गए। ये देखो क्रॉप टॉप, ब्राइडल लहंगा, साइडर लहंगा, क्रॉप टॉप, फिर शरारा टाइप में गाउन, सब कुछ अवेलेबल है, तो प्लीज़ एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा। सो लहंगे वगैरह ले लिए हैं, अब आए हैं साड़ी देखने के लिए और लहंगे दूसरे। और बेटा क्या चल रहा है इधर, तू मस्ती कर रही है, इधर आ जा, चला, बहुत सुंदर सुंदर से लहंगे हैं यार, मैं तो एक ब्राइडल वाला लेने की सोच रही हूँ, एकदम रिजनेबल प्राइस में ले लूँगी, अच्छा लगता है क्योंकि भाभी ब्राइडल, हाँ बहुत सुंदर लगेगा ना, हेवी हो तो क्या हो गया, ले लेते रेट तो सब पे चलता है कॉमन ही, मैं सोच रही हूँ ब्राइडल लेने का, याद नहीं रहने करवा चौथ तो लहंगा ही लेके जाती हूँ, चलो कोई ना बाद में लेंगे। एक गाड़ी पे हम तीन सवार, दुबला नहीं, दुबला पतला, थोड़ा हेल्दी पे ज़्यादा हेल्दी, अब क्या पता है थोड़े टाइम में ना भाभी जैसी जाऊँगी, छोटी हूँ मम्मी साथ बोलूँ डबल हड्डी हो, तो सिंगल हड्डी रहता वही रहता, सेकंड बेबी हुआ आगे भाभी सही बोलो तुमको भी टक्कर मारूंगी, सही है मैं बहुत हेल्दी हो जाती हूँ, मैं तो अभी कंट्रोल करके रख लूँ, एक दो रोट मालूम है सुबह ना मैंने और शिवाय ने तीन रोटी खाई है, तो बता दो तीन रोटी में हम दोनों का खाना हो, तीन भी नहीं हो ढाई में, हम बहुत कम खाना खाते हैं, सुबह पाँच रोटी बनी थी, खाई खाई है ढाई बजे, ऐसा रहता है, खाना पड़ेगा तुझे। हमारे पास सामान भी है, एक गाड़ी पे आगे दो लेंगे, फिर हम चार जन और फिर भाभी के हाथ में तक झूला, शादी की खरीदी स्कूटी से हाथ ले रहा और उसके हाथ में दाल है दाल क्या मजा आ रहा है। हे एवरीवन, सो अभी टाइम हो रहा है रात की 11:30 मतलब 11:30, और मेरे हाथ में है दो कप चाय के, हमारी चाय बन गई है, लो पतिदेव उठो चाय पियो, आहो उठ रहे हो नहीं तो मैं चाय वापस रखूँगी बेटो, नहीं तो मैं पी जाऊँगी फिर, है ना, वैसे ही बिना चाय के नाटक कर रहे, चाय नहीं पीने की,
आहो ले रहो, मेरा हाथ में गरम लग रही है, एक हाथ में दो चाय है। निशु नहीं दे रहा, मैं जारी रखूंगी। ले यार बेटू खड़े हो, गरम लग रहे स्टील के कप है। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो बस हम अब जाते हैं सोने के लिए, चाय पी के सोते हैं।